सैमसंग गैलेक्सी A9 और A7 के लॉन्चेस के बाद सैमसंग एक और फोन अपने A सीरीज में जोड़ने को तैयार है। लीक्स के मुताबिक जो जल्द ही लॉन्च कर सकता है अपना सैमसंग गैलेक्सी A6S। हालांकि ये लीक है, अभी तक इस पर कंफर्म न्यूज नहीं आई है, पर भी जो लीक सामने आई है उसके मुताबिक ये फोन काफी दमदार होने वाला है। लीक्स के हिसाब से इसमें आपको 5.99 इंचेस की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलेगी, जिसका स्क्रीन रेशियो होगा 18:9 का। इसमें आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो मिलेगा और हो सकता है इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 650 प्रोसेसर देखने को मिले, जो कि लॉक्ड होगा 2.2 GHz पर। इसमें आपको दो स्टोरेज वेरिएंट मिलेंगे, 64 GB और 128 GB, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक मेमोरी कार्ड की मदद से। इसमें आपको 3300 mAh की बैटरी भी मिलेगी और चार्जिंग, जो फास्ट चार्जिंग है कि नहीं इसमें उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक लगता है नहीं ना भी मिले, लेकिन इसमें आपको 12 MP का दो रियर कैमरा मिलेंगे, क्योंकि रियर है तो पीछे ही होंगे। इसमें आपको दो रियर कैमरा मिलेंगे 12 MP के, तो ये काफ़ी अच्छा कैमरा फ़ोन भी होगा, काफ़ी अच्छा बैटरी फ़ोन, काफ़ी अच्छा गेमिंग फ़ोन भी कह सकते हैं। 650 प्रोसेसर है तो इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा, अच्छी खासी डिस्प्ले दी गई है, IPS LCD डिस्प्ले, फुल स्क्रीन होगी जो कि HD प्लस है, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा। टीने के वेबसाइट पर, जो कि चाइनीज़ के सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का वेबसाइट है, उस पर ये पहले लीक हुआ था P30 के नाम से, लेकिन बाद में हमें पता चल गया कि ये सैमसंग A6S होने वाला है। और इस फ़ोन की एक और ख़ास बात है जिस कारण से ये काफ़ी चर्चा में है, वो कारण है कि सैमसंग इसे खुद नहीं बनाने वाला, सैमसंग इसे किसी थर्ड पार्टी से बनाने वाला है, और वो थर्ड पार्टी है विनटेक कंपनी, जो कंपनियों के मुताबिक फ़ोन तैयार करके कंपनी को देती है, फिर वो उसे रीसेल करती है। और विनटेक पहली बार नहीं है जिससे कोई बड़ी कंपनी बनवा रही है, Xiaomi भी अपने सारे फ़ोन्स विनटेक से ही बनाते आया है और इसे चाइना में रिलीज भी करता आया है, तो हो सकता है कि चाइना के लिए सैमसंग विनटेक से ही अपने फ़ोन बनवाए, ताकि उसके दाम कम हो सके और जो अपने मार्केट शेयर खोता जा रहा है सैमसंग चाइना में भी, उसे फिर से हासिल कर सके अपने A6S के साथ में। तो हो सकता है कि सैमसंग इसे विनटेक से बनाए, लेकिन इंडिया में विनटेक से ही बनाकर इसे रिलीज करता है या नहीं करता उतना कंफर्म नहीं है, पर फिर भी हो सकता है कि इसके दाम कम ही रखा जाए बाकी सैमसंग के फ़ोन्स के जो प्राइस होते हैं उसके हिसाब से। तो ये एक अच्छा फ़ोन साबित होगा ही होगा A6 प्लस। इसकी डिज़ाइन जो होगी A7 की तरह होगी, कलर वेरिएंट 4 होंगे, एक ब्लू, एक ब्लैक और 2 ग्रेडियंट कलर में होंगे, डुअल टोन कलर, जैसा कि हमें A7 और A9 में देखने को मिल चुका है। ग्लास बैक फिनिश जैसा कि हमें A7 A9 में दिख चुका है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। और इसमें आपको डुअल वर्टिकल कैमरा दिए जाएंगे रियर में, नीचे उसके फ्लैश होगी, जैसे कि A9 और A7 में भी हमें देखने को मिला है। तो ये काफ़ी प्रीमियम फ़ोन होगा, इसकी स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी दमदार है, एक वेल पावर्ड फ़ोन मिलेगा आपको A6S के नाम से सैमसंग की तरफ से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके इसलिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।